चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। एक तरफ जहां बीजेपी और आप पार्टियां रैली कर रही हैं, वहीं कांग्रेस भी इसी कड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है, जिसको लेकर अब पार्टी के नेता काफी एक्टिव हो गए हैं। 18 जून को पानीपत में जनसंवाद कार्यक्रम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बुल्ले शाह की अगुवाई में होने जा रहा है। इसी को लेकर आज बुल्ले शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और निमंत्रण दिया गया कि जितना ज्यादा हो सके आम जनता जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं, जो जनता से रूबरू होकर उनसे उनकी समस्याएं जानेंगे। सुनिए एक बार कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह को। और आपके माध्यम से मैं सारे शहरवासियों को भी संदेश देता हूँ कि अपनी जो भी समस्या है, जो भी बात है, वो जनसंवाद में वहाँ आए, उनको हर आदमी को जो सब मिलेंगे। वहाँ कोई जलसा नहीं है, वहाँ कोई स्टेज नहीं है, संवाद है। आप लोगों के बीच बैठ के आप लोगों की बात सुनेंगे। समय से पहले अपने आप को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि होना क्या, लोग चाहते क्या है। उस हिसाब से सर, अगर लोगों ने सरकार बनाई तो उसी हिसाब से काम करेंगे। ये तो लोग जब बताएंगे तब पता लगेगा ना दोस्त। हाँ, मिल रहे हैं, लेकिन ये बात तो वहाँ होगी ना जब लोग सीधा संवाद करेंगे अपने नेता से। आप अलग अलग जगह जाके लोगों से मिल रहे हो जी, किस तरह के लोग आश्वस्त हैं हम जरूर आएंगे, या उनकी परेशानी वाकई होगी है? किस तरह के लोग कह रहे हैं कि हम जरूर आएंगे? किस तरह के लोग नहीं, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि आपसे पहले पहुंचेंगे। लोग ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा तंग कर रखे। ये तो अब इतवार को देखना आप कि कौन कौन आता है वहाँ नजर आएंगे। हैं सब आएंगे, हमने सबको न्योता दिया है, सबको न्योता। कुछ देखिए, ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने भय का, हर आदमी भय में, भय का माहौल है इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में, दहशत का माहौल है, पता नहीं क्या करेंगे। और मैं सबसे कहता हूँ, सबसे बड़ा रेवेन्यू पानीपत शहर देता है, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं? ये तो खड्डियों का शहर है, हैंडलूम का शहर है, यहाँ कौन सी चोरी होती है? फिर भी लोगों को मन में भय है, क्योंकि रोज अखबारें पढ़ पढ़ के, रोज टीवी देख देख के ईडी आईडी सीबीआई ऐसे बना दिया हुआ देश का माहौल, क्या आदमी सोचता है यार चुप रहो। प्रॉपर्टी आईडी वाला आपने भी धरना दिया था जी, बीजेपी वाले भी बोलते जी, हैं समाधान हुआ नहीं? समाधान तो देखिए, उदन हुड्डा साहब ने वहाँ क्लियर कर दिया चंडीगढ़ मीटिंग में कि जिस दिन सरकार आप बनाते हो, हुड्डा साहब जी आते हैं, एक घंटे बाद ईडी आईडी खत्म, रजिस्ट्री हो, ऐलान किया गया। जो ये पांच प्रोग्राम ने पांच पॉइंट दिए थे कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 100 गज का प्लाट देंगे जिसमें दो कमरे बना के, 6000 रुपये पेंशन देंगे और पिछली पेंशन उसके साथ देंगे। और अब इन्होंने जो कार्ड काट दिए हैं, राशन कार्ड गरीबों के, ये सारे एज इट इज़ बहाल करेंगे, नवे बनाएंगे, किसी का कार्ड काटेंगे। हुड्डा साहब आएंगे 4:30 बजे, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपकी रेस्ट हाउस पानीपत में PWD, 4 बजे वो पहुंच जाएंगे, 4:30 बजे आप लोगों को निमंत्रण दिया, आप आमंत्रित हैं वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। देखिए, समस्या तो जो लोग हमें बता रहे हैं तो वो तो एक चीज़ है, जो मैंने उनसे ये कही है कि आप सारी बात हुड्डा साहब से करिए, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, वो आपको इसका जवाब देंगे, वो इसका हल करेंगे। मैं शहरवासियों को जा के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर संस्था में, वो मेरे को बुला भी रहे हैं, मैं जा भी रहा हूँ, सबसे अपील कर रहा हूँ कि आओ अपने नेता की, अपने नेता से बात करो, संवाद करो, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम होगा पानीपत में जिसमें कोई स्टेज नहीं होगी, कोई लीडर नहीं होगा, कोई स्पीच नहीं होगी, सिर्फ संवाद होगा लोगों से, सीधी बात करेंगे। हुड्डा जी, आपकी जो समस्या उनसे बताओ, वो आने वाले वक्त में
जैसे आप सरकार बनाएंगे आपकी समस्याएं पहले दिन से ही निपटाना शुरू कर देंगे। वहीं युवा कांग्रेसी नेता विपुल शाह ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम 18 जून को सेक्टर 11-12 में SDVM स्कूल में होगा, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से बातचीत करेंगे। 18 तारीख को हुड्डा साहब पानीपत सेक्टर 11-12 SDVM स्कूल के अंदर पानीपत शहरवासियों से जनसंवाद करेंगे और इसके अंदर पानीपत शहरवासियों की जो उनको समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। यहाँ जो सरकार आएगी तो उसमें समाधान होगा। ये पानीपत शहर का, पानीपत शहरी विधानसभा का ये कार्यक्रम है जो बुले शाह जी के नेतृत्व में हो रहा है और हुड्डा साहब, MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रधान प्रदेश के उदय भान जी सारे आएंगे और बाकी सारी सीनियर लीडरशिप भी ज़रूर आएगी। हम तो रोज़ लोगों के बीच में ही रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। समस्याएं तो छोटी से लेकर बड़ी मूलभूत सुविधाएं तक पानीपत शहर के अंदर आज नहीं मिल रही, चाहे वो पानी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे वो फैमिली ID है, चाहे वो प्रॉपर्टी ID है। अनेकों समस्याएं, इंडस्ट्री की अपनी समस्याएं, सारी की सारी समस्याएं सारे शहरवासी, पानीपत शहर के जो लोग हैं, जो वोटर हैं पानीपत शहरी विधानसभा के, वो सारे के सारे अपनी समस्याएं उधर हुड्डा साहब के साथ समक्ष उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उन लोगों के बीच रहेंगे। कई सालों बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जनता के बीच पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम उनसे उनकी समस्याएं जानेंगे। वहीं इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर बुल्ले शाह कई दिनों से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हें न्योता देकर आए हैं कि सभी अपनी समस्याएं लेकर कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। और इस जनसंवाद कार्यक्रम में जहां आम जनता पहुंचेगी वहीं व्यापारी भी पहुंचने वाले हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।